क्या आप प्री वर्कआउट लेते हो? नहीं। क्या आप पोस्ट वर्कआउट लेते हो? नहीं। ऐसे कैसे चलेगा यार? ये दो मील आपके कटिंग में या फिर बल्किंग में ये बहुत जरूरी मील्स है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूँ मैं एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्री वर्कआउट मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। प्री वर्कआउट मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मील्स हैं हमारे पूरे दिन के डाइट में, जिससे आपकी कटिंग भी हो सकती है और बल्किंग भी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिन भर का डाइट कैसा है। तो आइए बात करते हैं प्री वर्कआउट के बारे में। प्री वर्कआउट में हमें चाहिए होता है एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? ज़्यादातर हमें मिलती है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट में भी दो टाइप है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की ओर जाना है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और हमें जो एनर्जी मिलती है वो धीरे धीरे मिलती है। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएंगे, और अगर आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देर तक चाहिए तो आपको वो नहीं मिल पाती। तो प्री वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, तो आप क्या क्या ले सकते हैं, कितने टाइम के पहले ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप 30 मिनट से पहले ले सकते हैं प्री वर्कआउट आपका, उसमें आ गया आपका कर्ड आ गया। उसके बाद 2 से 4 बनाना ले सकते हो, बनाना इज़ अ बिग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हो गया स्वीट पोटैटो, या फिर ब्राउन ब्रेड ले सकते हो पीनट बटर के साथ। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप गेहूं की रोटी भी ले सकते हो, या फिर अगर आप सुबह जिम जाते हो तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द प्री वर्कआउट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम पोस्ट वर्कआउट की। तो पोस्ट वर्कआउट में हम क्या क्या ले सकते हैं? हमें चाहिए होता है प्रोटीन। जब वर्कआउट करके हम आते हैं तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसे रिपेयर करने के लिए, रिकवरी करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन हम कहाँ से ले सकते हैं? बिग सोर्स होता है प्रोटीन का एग वाइट्स, जो कि नेचुरल सोर्स है। और उसके बाद हो गया अपना वे प्रोटीन, या फिर आप ले सकते हो चिकन, बॉयल्ड चिकन ले सकते हो, या फिर पीनट बटर का जो आप शेक बनाते हो, होममेड शेक, वो भी ले सकते हो। और ये जो मैंने पोस्ट वर्कआउट के मील्स बताए हुए हैं, ये आपको जिम होने के बाद तुरंत ही जितना जल्दी हो सके उतना लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए।